अनाथ बहनों की झोपड़ी बनी जादुई महल। एक झोपड़ी में दो अनाथ बहनें खाना खा रही होती हैं। तभी कोई बाहर से उनकी झोपड़ी के अंदर पत्थर फेंक कर मार रहा होता है। एक पत्थर उनकी थाली में आकर गिरता है। अरे ये क्या, मेरी थाली में तो पत्थर आकर गिरा है। कौन है जो हमारे ऊपर इस तरह पत्थर फेंक रहा है? कोई बात नहीं रूपाली, तुम मेरे साथ खाना खा लो, शायद बाहर गांव के बदमाश बच्चे होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। कनिका के ऐसा कहने पर रूपाली उसी की थाली में खाना खाने लगती है, जिसके बाद एक पत्थर फिर से कनिका की थाली में आकर गिर जाता है। देखा ना कनिका दीदी, ना बोलने का नतीजा। रुको, मैं अभी इन्हें समझाती हूँ। रूपाली गुस्से में बाहर आती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। देखो देखो, झोपड़ी वाली बहन बाहर आ गई। वैसे भी इनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, हम जरा से भी पत्थर मारेंगे तो पूरी गिर जाएगी। तुम बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमें चैन से खाना भी नहीं खाने दोगे क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है राजपूतों के बच्चों को डांटने की? अगर हमारे माता पिता को पता चल गया तो तुम्हारी इस झोपड़ी को तोड़वाने के साथ मैं तुमको यहाँ से भी भगा देंगे। तभी घर के अंदर से कनिका बाहर आती है। चलो बहन, अंदर हमारा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस झोपड़ी के अलावा हमारे और कोई छत भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? कनिका ऐसा बोलने के बाद रूपाली को घर के अंदर ले आती है। रूपाली, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? दीदी मैं सब समझती हूँ, हम गरीब हैं इसलिए हमारे पर इतने अत्याचार करते हैं ये लोग। हर एक झोपड़ी में ही तो रहते हैं, उसमें भी सुख शांति से नहीं रह सकते हम। कोई बात नहीं रूपाली, अभी हमारी मजबूरी है और मजबूरी में इंसान के पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय चीजों को बर्दाश्त करने के। कनिका बहुत समझदार होती है, वह हमेशा अपनी बहन रूपाली को समझाती रहती है। दोनों अनाथ बहनें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा कर रही थी। गांव में किसी को भी वह दोनों अनाथ बहनें पसंद नहीं थी। एक दिन वह दोनों नदी किनारे पानी भरने के लिए जा रही होती हैं, तभी गांव की औरतें उन्हें देखकर ताने मारने लगती हैं। अरे देखो तो सही, ये दोनों तो वही हैं जो झोपड़ी में रहती हैं। पूरे गांव में बस इन्हीं के पास झोपड़ी है, बाकी सबके पास पक्के मकान हैं। पूरे गांव की शान शौहरत इन दोनों की वजह से ही डूबी पड़ी है, पता नहीं क्यों यहाँ पड़ी है। इससे अच्छा तो यहाँ से चली जाती, और ऊपर से इनके माँ बाप भी इन्हें अकेला छोड़कर मर गए। गांव वाली औरतों की बातें सुनकर दोनों अनाथ बहनें बहुत उदास हो जाती हैं। वो जैसे तैसे करके गुजारा ही कर रही थीं, लेकिन गांव के लोग उन्हें चैन से जीने भी नहीं दे रहे थे। दोनों बहनें जब नदी किनारे पहुंचती हैं तो वह नदी से पानी भर रही होती है, तभी रोते हुए उनके आंसू नदी में गिर जाते हैं, और उसी वक्त नदी का देवता नदी से बाहर आता है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों रो रही हो? रोजाना देखता हूँ हमेशा हंसते खेलते खिलखिलाती रहती हो, आज इस तरह रोते हुए? तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं। ये देखो मैंने इन्हें मोतियों में बदल दिया है। नदी देवता, आप सच में होते हो? हाँ मैं सच में होता हूँ। मुझे अभी तक तुमने किस्से कहानियों में ही सुना होगा, लेकिन जब किसी को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर आता हूँ, और लगता है तुम्हें अभी मेरी जरूरत है। नदी देवता, हमारे माता पिता के मरने के बाद हम दोनों अनाथ बहनें अकेली रह गई हैं। बहुत मुश्किलों से हम अपना गुजारा करते हैं, लेकिन गांव वाले हमारी झोपड़ी के ऊपर बहुत कुछ ताने देते हैं जो हमसे सुने नहीं जाते। उसी झोपड़ी में हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया था, उस झोपड़ी से हमें बहुत लगाव है। हम अपने माता पिता की आखिरी निशानी को छोड़कर कैसे कहीं जा सकते हैं? अच्छा तो ये परेशानी है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये परेशानी भी दूर कर सकता हूँ। जरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नदी देवता के कहने पर दोनों बहनें अपने हाथों को आगे बढ़ाती हैं। देवता अपने दोनों हाथों से उनके हाथों में दो दो मोती रखते हैं। अब तुम दोनों बहनों के पास ये जादुई मोती है, तुम्हें अपनी झोपड़ी में जाना है और इन चारों मोतियों को झोपड़ी के चारों कोनों में रख देना है, उसके बाद जादू देखना। इतना कहने के बाद नदी देवता पानी में समा जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। दोनों बहनें नदी से पानी भरकर पानी अपने साथ ले आती हैं, और अपनी झोपड़ी के अंदर आने के बाद वो एक एक मोती चारों कोनों में रख देती हैं। जैसा कि नदी देवता ने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, लेकिन यहाँ तो कोई जादू नहीं हुआ। थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए हमें, क्या पता जादू हो जाए। रूपाली इतना कहती ही है कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है।
क्या तुमने ये आवाज सुनी? चलो देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। दोनों बहन घर से बाहर आती हैं तो वह छोटे बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। वह दोनों उनकी लड़ाई सुलझवा के जब वापस अपनी झोपड़ी में आती हैं तो झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह किसी महल के अंदर पहुंच गई हों। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, हमारी झोपड़ी बिल्कुल महल की तरह दिख रही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। देखो कितने मखमली सोफे हैं और यहाँ रहने की सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी सपने से कम नहीं है। मुझे लगता है कि ये जादू उन चार मोतियों की वजह से ही हुआ है। पहले हमें उन्हें घर में रखना होता है और उसके बाद हमें बाहर जाकर आना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, अब हम भी एक महल के अंदर रहेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी झोपड़ी अब महल में बदल गई। चलो सबको बुलाते हैं और सबको दिखाते हैं कि अब हम लोग एक महल के अंदर रहते हैं। रूपाली और कनिका अपने सभी दोस्तों को अपनी झोपड़ी के अंदर आने के लिए कहती हैं। पहले तो सब आनाकानी करते हैं लेकिन उनके बोलने पर सब उनकी झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं। कदम रखते ही उनकी झोपड़ी अंदर से बिल्कुल महल की तरह दिखने लगती है। यकीन नहीं होता, इतना सुंदर महल। तुम्हारी झोपड़ी बाहर से ही झोपड़ी दिखाई देती है, अंदर से तो पूरी महल है। इतना सुंदर महल जैसा घर तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ओ माय गॉड, सच में तुम तो महल के अंदर रहती हो। आज हम जादुई झोपड़ी के महल में तुम सभी को खाना भी खिलाएंगे। चलो आओ इस डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम तुम्हें खाना परोसते हैं। डाइनिंग टेबल पर अलग अलग प्रकार की वैरायटीज रखी होती हैं। इतना सारा खाना देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। दोनों अनाथ बहनें अपने हाथों से अपने सभी दोस्तों को खाना परोसती हैं और वह सभी एक साथ खाना खाते हैं। जैसा ये महल है वैसा ही यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। हमें माफ करना, तुम्हारी झोपड़ी के घर में हम कभी नहीं आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि झोपड़ी के अंदर इतना सुंदर महल है। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर दोनों अनाथ बहनें बहुत खुश होती हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही वह उस झोपड़ी से बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर से सिर्फ खाली टूटी फूटी झोपड़ी ही दिखाई देती है। लेकिन अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि झोपड़ी के अंदर जादुई महल भी है जिसके बारे में वो पूरा गांव वालों को बता देते हैं। अब एक एक करके अनाथ बहनों के घर में अंदर गांव का हर कोई इंसान आना चाहता था। इस बात से दोनों अनाथ बहनें बहुत खुश थीं। आखिरकार अब हमारे पास खुद का झोपड़ी महल घर है और ये जादू झोपड़ी महल के अंदर हमें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। इन सबके लिए तो हमें नदी देवता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उन्हीं की बदौलत हमारे पास ये महल है। हम जैसी अनाथ बहनों की उन्होंने इतनी मदद की, चलो उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए चलते हैं। दोनों अनाथ बहनें नदी किनारे नदी के देवता से शुक्रिया अदा करने के लिए आती हैं। लेकिन उनके शुक्रिया अदा करने के बाद भी नदी देवता नदी के अंदर से नहीं निकलते, जिसके बाद वह चुपचाप वापस अपने घर लौट आती हैं और झोपड़ी के अंदर जादुई महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।